हम इस शो पर स्वाद के साथ साथ इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि आपको सेहतमंद खाने के बारे में भी बताया जाए। आखिर स्वस्थ परिवार ही तो होता है सुखी परिवार। और आज हम सेहत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चाट। अब आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे बाजार की चाट बहुत पसंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की करेले की चाट से। जी हाँ, करेला, जो आप में से काफी लोगों को शायद पसंद भी नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की करेले की चाट से। जी हाँ, वही सब्जी जिसको आप में से काफी लोग पसंद भी नहीं करते। तो चलिए करते हैं इस करेले से एक धमाल और बनाते हैं एक लाजवाब चाट। इसके लिए हमें चाहिए करेले, जिसको हमने पहले ही धो के और नमक लगा के एक छलनी में रख दिया ताकि इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो काफी हद तक कम हो जाए। और हमारे पास है यहाँ पर आटा, हमारे पास है यहाँ पर दही, सौंठ की चटनी और कोरिएंडर यानी धनिया की चटनी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गुड़, गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर, हींग, नमक और काला नमक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम डीप फ्रायर ऑन कर देते हैं और करेले को एक मिक्सिंग बोल में डाल लेते हैं। जो करेले हैं ये थोड़े से गीले हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि करेलों में हमने नमक डाल दिया था और इसकी जितनी भी कड़वाहट थी वो काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अभी हमें इसको करना है फ्राई, तो इसको थोड़ा हम सूखा करेंगे। सूखा करेंगे हम इसको आटे से, तो हम थोड़ा सा इसमें आटा से छिड़क देंगे और थोड़ा सा इसे सीजन भी कर देते हैं। डाल देते हैं इसमें नमक, थोड़ा सा हींग, डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आटे की जगह बेसन भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब डीप फ्रायर हम देख लेते हैं गरम हुआ कि नहीं। एकदम गरम है और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए करेला एकदम क्रिस्पी हो गया है। डीप फ्रायर ऑफ कर देते हैं और अब इसे इस प्लेट पर निकाल लेते हैं। और अब हम लेते हैं एक और बोल जिसमें हम फाइनल चाट को असेंबल करेंगे। इसमें डाल देते हैं ये करेला, और अब इसमें डालते हैं बाकी सारी चीजें। पहले हरी मिर्च, क्योंकि चाट है तो चटपटी होनी चाहिए, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। अब ये सब मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा डाल रहा हूं क्योंकि चाट है, चटपटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मिर्ची होनी चाहिए, उसमें मसाले बाहर आने चाहिए और खासकर कि ये करेले की चाट है तो थोड़ा बहुत कड़वापन फिर भी रह जाएगा। हालांकि हमने इसमें नमक डालकर सारा पानी इसका निकाल दिया था और काफी हद तक इसका कड़वापन कम कर दिया था, बट फिर भी करेला है तो थोड़ा बहुत कड़वा तो होगा ही। इसमें डाल दिया हमने अमचूर और डालेंगे इसमें काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और अब इसे मिला लेते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में डाल देते हैं। अच्छी तरह ऊपर से और अब थोड़ी सी चीजें और डालनी है इसमें। हमारे पास है यहां पर एक ग्रेटर और है गुड़। अब थोड़ा सा गुड़ इसके ऊपर ग्रेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। और अब इसमें डाल देते हैं सारी चटनियां। सबसे पहले डालते हैं ये धनिया की चटनी और इसको इस तरह से फैला देते हैं इस पे। अब बारी है दही की। और अब डालते हैं थोड़ी सी सौंठ।
थोड़ी सी उसके ऊपर हरी मिर्च छिड़क देते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारे पास करेले की चाट खास आपके लिए। करेले की चाट बनाने के लिए आपको चाहिए कटे करेले एक कटोरी, आटा एक बड़ा चम्मच, दही दो बड़े चम्मच, सौंठ की चटनी दो बड़े चम्मच, धनिया की चटनी दो बड़े चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च एक छोटा चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, गुड़ आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, भुना हुआ पिसा जीरा एक छोटा चम्मच, हींग आधा छोटा चम्मच, अमचूर एक छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक बर्तन में करेला लें, इसमें आटा, नमक, हींग और लाल मिर्च डालें और अच्छी तरह मिलाएं और तलें। एक बोल में तले करेले लें, इसमें हरी मिर्च, गरम मसाला और जीरा डालें। अब अमचूर, काला और सादा नमक अच्छी तरह मिलाएं। एक सर्विंग बोल में इसे निकालें, धनिया की चटनी, दही, सौंठ और हरी मिर्च से गार्निश करें और सर्व करें।